बढ़ते हैं शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, पूरे एक हफ्ते के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि एक हफ्ते में बड़ा मूव इंडेक्स लेवल पर आ गया। आज साइजेबल करेक्शन है, 220 अंक नीचे चल रहा है स्पॉट में निफ्टी, अब बताइए क्या करें। नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले 3-4-5 सेशंस में हमने जिस तरह का एक बहुत अच्छा अपमूव देखा, उसके बाद आज के करेक्टिव मूव के अंदर आशीष जी 2-3 ऑब्जर्वेशंस निकल कर आते हैं, 2-3 बहुत क्रूशियल लेवल्स निकल कर आते हैं आशीष जी। पहला है आशीष जी 19900 का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब मेरे हिसाब से बन चुका है, क्योंकि आज इंट्राडे में भी निफ्टी ने तकरीबन 19900 के पास से ही रेजिस्टेंस लेते हुए वहां से एक टर्न अराउंड दिखाने की कोशिश की है। सेकेंड आशीष जी 19800 का, जो निफ्टी के लिए अभी तक एक अच्छा सपोर्ट था, बट आज जिस तरह से आशीष जी निफ्टी बहुत आराम से 19800 से नीचे अभी तक कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 19800 से नीचे है तब तक आशीष जी एक बार के लिए हमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है 19650-19600 तक के, वहां तक का भी एक करेक्टिव मूव जरूर देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर हम निफ्टी में एक पुट ऑप्शन के थ्रू ट्रेड जरूर कर सकते हैं आशीष जी, बट एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है आशीष जी कि आज एंड ओवर द वीकेंड निफ्टी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैवीवेट काउंटर्स के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें इंडेक्स के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं होना है। बट मेरे सामने एक पुट ऑप्शन का ट्रेड आया है जो जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है, तो हम इसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आशीष जी, जो मंथली एक्सपायरी है 27 जुलाई की, उसमें 19700 के पुट ऑप्शन को हम बाय करके चल सकते हैं। अभी 72-73 रुपीज के आसपास में इसका प्रीमियम चल रहा है, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 40 रुपीज पर 40 पर, एंड हमारे टारगेट होंगे 120 एंड 135 तक के। 40 का स्टॉप लॉस रखना है राइट सिद्धार्थ जी, स्टॉप लॉस कितने? 40 का और 120 से 40 का जी। हाँ, और 120 से 130 तक के टारगेट है राइट जी, 120 एंड 135 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। पुट ऑप्शन के माध्यम से रणनीति यहाँ पर जी बिल्कुल आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं, एक बाय की कॉल है और एक सेल की कॉल है। पहला है आशीष जी गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर देखिए आशीष जी पिछले 3-4 सेशंस में लगातार इस स्टॉक ने 1600 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, आज ओपनिंग में नेगेटिव था बट वहां से बहुत अच्छे तरह से 1600 से फिर से ये स्टॉक ऊपर आया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आज हम गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मोमेंटम और भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के जुलाई फ्यूचर्स को हम बाय करके चल सकते हैं। अभी करीब 1636 के आसपास में ट्रेड कर रहा है जी, स्टॉप लॉस हमें रखना है 1609 पर एंड हमारे टारगेट होंगे 1670 एंड 1690 तक के। सेकेंड स्टॉक है आशीष जी UPL यूनाइटेड फॉस्फोरस, यहाँ पर देखिए आशीष जी लगातार बहुत दिनों से हम कमजोरी बनते हुए देख रहे हैं, मोमेंटम बिल्कुल नेगेटिव है, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के मार्केट में UPL हमारे लिए एक बहुत अच्छी हेजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए एक तरह काम कर सकता है। तो UPL के जुलाई फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 600 के करीब के लेवल्स भी ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, तो UPL के जुलाई फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 642 का एंड हमारे टारगेट्स होंगे 620 एंड 610 तक के। 610 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। UPL यहाँ पर आपको करनी है, बिकवाल्यू साथ में गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।